वेल तो ही गाइस वेलकम टू द माय चैनल माय नेम इज पंकज। तो वेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कैन वेलास्केज का कहाँ रिटर्न देखने को मिलने वाला है एंड क्या ब्रॉक लेसनर जो कि लीव कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमेशा के लिए एंड सो नेक्स्ट वन स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने के बाद हमें क्या देखने को मिला सो इन सारी थिंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो नो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि पहले तो हमें स्मैकडाउन में क्या देखने को मिला स्मैकडाउन जाने के बाद ऑफ एयर। तो वेल स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने के बाद तो हमें एक बार फिर से वही जो कि द मिस्टीरियस एंड उनके साथ में जॉन सीना थे एंड उनका जो हमें सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिला जो कि रोमन रेंस के साथ वेल जिसमें जॉन सीना एंड मिस्टीरियो एक बार फिर से जीत गए। सो वेल जो कि मतलब इंटरेस्टिंग वो भी था एंड इसके बाद तो मतलब एंट्रेंस पे हमें देखने को मिला था तो कि जो कि बियांका ब्लेयर को वेल तो एंट्रेंस के टाइम पे उन्होंने बियांका ब्लेयर के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट शो किया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो कि तुम लोग फोटोज में देख सकते हो। सो वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि हमें जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच है वो तुम्हें पता ही है जो कि स्मैकडाउन जो जिसने देखा रहेगा। अगर नहीं देखा रहेगा तो बता दूं कि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच है अब वो ऑफिशियल हो चुका है एंड अब वो हमें देखने को मिलेगा समरस्लैम के अंदर जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस एंड सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगले हफ्ते हमें क्या थिंग्स देखने को मिलती है इन दोनों के बीच में जो कि जैसा हमें देखने को मिला है जो कि मतलब ओवरऑल इंटरेस्टिंग है। वेल तो समरस्लैम के लिए एक अच्छा खासा पोस्टर भी हमें देखने को मिल चुका है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि अगले हफ्ते के लिए जो कि बैरन कॉर्बिन वर्सेस फिन बैलर का हमें मैच बुक हो गया है जो कि देखने को मिलेगा जो कि बैरन कॉर्बिन वर्सेस फिन बैलर। वेल तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि बैरन कॉर्बिन मतलब जैसे ही फिन बैलर जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे थे वैसे ही बैरन कॉर्बिन पीछे से अटैक कर देते हैं एंड बैरन कॉर्बिन जो कि फिन बैलर को बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं एंड उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते हैं। वेल जिसके बाद जॉन सीना वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं उनको अटैक करके जो कि मतलब ओवरऑल इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। तो वेल इसी को लेके बैरन कॉर्बिन वर्सेस फिन बैलर का हमें अगले हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर मैच देखने को मिलने वाला है। सो देखते हैं क्या देखने को मिलता है कैसा देखने को मिलता है। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि देखने को मिल रहा है नटालिया की तरफ से तो वेल नटालिया की जो इंजरी थी वो हमें मतलब कुछ हफ्तों के लिए ही देखने को मिलेगी एंड वो इंजरी कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वेल मे भी हो सकता है कि वो कुछ हफ्तों तक हमें ना देखने को मिले लेकिन एक दो हफ्ते में वो हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। सो वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि सुपरस्टार्स की तरफ से आ रही तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को बिना बताए उनको जो कि स्मैकडाउन से रॉ में एंड रॉ से स्मैकडाउन में मूव कर दिया जा रहा है। तो वेल जैसा कि तुम लोग हाल ही में तुम लोग को बता दूं कि रेकोनिंग को जो कि मतलब मिया यिम है वेल उनको मूव कर दिया है रॉ के अंदर एंड शेन थॉन को मूव कर दिया गया है स्मैकडाउन के अंदर एंड सेन थॉन को तो ये पता भी नहीं था कि उनको स्मैकडाउन के अंदर मूव कर दिया गया है मतलब सुपरस्टार को पता भी नहीं चल रहा है एंड वो दूसरे ब्रांड में चले जा रहे हैं जो कि मतलब इंटरेस्टिंग बात है एंड ये सुपरस्टार्स मतलब उनको बिना बताए ही ऐसा कुछ हो जा रहा है। वेल जो कि बड़ा अजीब लग रहा है। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि पैट मैकाफी की तरफ से देखने को मिला तो वेल तुम लोग ने अगर स्मैकडाउन में गौर से देखा रहेगा तो मेन इवेंट के शुरू होने के पहले ही मतलब मेन इवेंट खत्म हो रहा था उस टाइम पे तो पैट मैकाफी ने एक ट्रिब्यूट किया जो कि मिस्टर परफेक्ट के लिए था एंड जो वो पेंसिल फ्लिप करते हैं सो वही पेंसिल फ्लिप यहाँ पे पैट मैकाफी ने किया एंड पैट मैकाफी ने इससे ट्रिब्यूट दिया जो कि मिस्टर परफेक्ट को जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छा भी था। वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि केन वेलास्केज की तरफ से आ रही है तो वेल जैसा कि तुम लोग को पता ही है केन वेलास्केज जो कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल चुका है एक बार एंड उनका मैच हो चुका है ब्रॉक लेसनर के साथ में जो कि हमें क्राउन ज्वेल के अंदर देखने को मिला था जहां पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस मतलब उसमें रे मिस्टीरियो के जो हमें स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो एंड वेल उसके बाद तो हमें केन वेलास्केज भी देखने को मिले थे। वेल तो उनको क्राउन ज्वेल के मैच के बाद से तो उनको जो कि टीवी से टाइम ऑफ कर दिया गया था एंड उसके बाद से तो हमें न्यूज़ आई थी कि रेसलमेनिया के समय में जो कि उनको रिलीज कर दिया गया हमें ऐसा कुछ देखने को मिला था। सो वेल वो वापस से अब रेसलिंग के अंदर मतलब प्रो रेसलिंग के अंदर रिटर्न कर रहे हैं एंड उनका रिटर्न जो हमें देखने को मिलेगा वो ट्रिपल ए के अंदर देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो वेल उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न के लिए भी पूछा गया तो वेल उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने आप को खुद को अच्छे से इंप्रूव कर लूँ वेल उसके बाद मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाना चाहूँगा। वेल फिलहाल तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमने देखा था जैसा कि उनकी रेस्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिला था। सो वेल उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो देखते हैं भाई ट्रिपल ए के अंदर वेल वे कैसे इंप्रूव करते हैं एंड वेल उसके बाद तो उनका हमें कैसे रिटर्न देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो कि ओवरऑल देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि ब्रॉक लेसनर की तरफ से आ रही है तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि वेल तो ब्रॉक लेसनर एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में कोई भी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी बात नहीं हो रही है तो वेल इसीलिए जो अदर कंपनीज हैं जो अदर प्रमोशंस हैं वो कंपनी में साइन करना चाहती है ब्रॉक लेसनर को क्योंकि सभी लोग जानते हैं ब्रॉक लेसनर एक बिग ड्रॉ है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रॉ करके दे देंगे। सो वेल इसीलिए मतलब अदर कंपनी साइन करना चाहती है लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए प्लान बना के रखी है। वेल हो सकता है कि हमें रेसलमेनिया 38 के आसपास हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड वेल हो सकता है कि उसके बाद हमें रेसलमेनिया 38 के अंदर जो कि उनका मैच हमें देखने को मिले मे बी वो प्लान हो वहाँ पर ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेसली का। सो देखते हैं क्या थिंग्स देखने को मिलता है एंड सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वेल यहीं तक न्यूज़ थी यहीं तक वीडियो थी। वेल कौन सी न्यूज़ पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
बताना भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो। एंड हाँ, सोफन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।